हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम टू द एडिटर हब। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत सारे व्यूज़ ला सकते हो, अनलिमिटेड व्यू ला सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना आपको, ना कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, बिल्कुल फ्री में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर कैसे आप अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत सारे मल्टीपल फ़ोटोज़ एक साथ लगा सकते हो, जो कि फ़ीचर अभी तक एंड्रॉयड में नहीं आया है, वो सिर्फ आईफोन में है। और आईफोन वाले लोग ऐसे थोड़ा बहुत चिढ़ाते हैं वो फ़ोटो डाल के ऐसे, बट अब एंड्रॉयड में भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद एक ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है जी बॉक्स। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली ऐप, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे इसका कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का है, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लॉगिन करना। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, ये सब करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जाएंगे, नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपसे कुछ एक्सेस मांगेगा, तो आप एक्सेस उसको दे देना है। बेसिकली एक कीबोर्ड है, जैसे आप बाकी टाइप करते हो वैसे ये कीबोर्ड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। थीम्स अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना। अब ये कुछ एक्सेस मांगेगा तो आप वो दे सकते हो। यहाँ पे कीबोर्ड को एनेबल कर दो, मैं एक बार इसको एनेबल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको नीचे देखेंगे जी बॉक्स, इसको ओके कर दो। ओके, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड है कि स्विच टू जी बॉक्स कीबोर्ड, तो यहाँ पे जी बॉक्स आप देखोगे ये वाला है, तो इसको ओपन कर दिया। अब ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब जाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी, जैसे देखेंगे जो आप स्टोरी डालते हो वहाँ पे एक स्टोरी डालनी है, तो अब यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली टाइप करते हो ना, टाइप करोगे तो नीचे आप देखोगे एक इमेजेस का बट वो आया ऑप्शन, तो यहाँ से आप जो भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हो फ़ोटो आप लगा लेना। तो यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ, कोई फ़ोटो उठा लेता हूँ। तो ये वाले मेरे फ़ोटोज़ हैं कुछ, तो इनमें से मैं डाल देता हूँ एक दो। तो आपको जितने फ़ोटो डालने हैं आप ऐसे ही टाइप वाला दबाते रहो और यहाँ पे ऑप्शन आता रहेगा, और जितने भी आपको अपलोड करने हैं अपने सारे फ़ोटो अपलोड कर लेना। मैं एक बार आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो भी आप देख सकते हो कि मैंने 4 फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो इनको मैं स्टोरी पे डाल देता हूँ। डन। अब जैसे ही मैं आपको अपनी स्टोरी दिखाता हूँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे मेरे फ़ोटो अपलोड हुए हैं। तो बस यार गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।